हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, आज हम जो सॉन्ग करने वाले हैं उसका नाम है बेख्याली, फ्रॉम द मूवी कबीर सिंह। ऑलराइट, सो आज हम इस सॉन्ग की टैब्स करेंगे। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक कंप्लीट टैब्स करेंगे। सो गाइस, इस वीडियो को आप पूरा देखना ताकि आपका कोई भी स्टेप मिस ना हो। ऑलराइट, सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हो, सीधा चलते हैं लेसन की तरफ। ओके, सो लेसन की स्टार्टिंग होती है, जो सॉन्ग है इसकी स्टार्टिंग हो रही है हमिंग साउंड से। ऑलराइट, कैसे। ओके, सो ये प्ले करने के लिए हम स्टार्टिंग करेंगे सेकंड फ्रेट ऑन जी स्ट्रिंग। गॉट इट। सो सेकंड फ्रेट को जी स्ट्रिंग पे प्ले करेंगे, उसके बाद जाएंगे फिफ्थ फ्रेट पे, उसके बाद फोर्थ फ्रेट। गॉट इट। ये तीन बार प्ले होगा। यहां तक हो गया। उसके बाद हम जाएंगे सेकंड फ्रेट अगेन, फिर जी स्ट्रिंग ओपन, फिर उसके बाद अगेन सेकंड फ्रेट, और यहां से स्लाइड लेंगे फोर्थ फ्रेट की तरफ। सो ऑलराइट, कंप्लीट कैसे होगा। ओके, सो ये तो होगी फर्स्ट लाइन। उसके बाद सेकंड लाइन, सो ये भी फर्स्ट लाइन की तरह ही है, बस इसमें एक चेंज है। जो हम इसको तीन पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने एक नोट एक्स्ट्रा लेना है। कहां पे। सो सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, उसके बाद हम ऐड करेंगे यहां पे थर्ड फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग। ऑलराइट, थर्ड फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग। सो ये फर्स्ट पार्ट में ऐड होगा, उसके बाद बाकी के दो पार्ट सेम। 254, 254, उसके बाद अगेन सेकंड फ्रेट ओपन जी स्ट्रिंग, सेकंड फ्रेट से लेके फोर्थ फ्रेट पे स्लाइड। सो ऑलराइट, सो ये हमिंग पार्ट कंप्लीट होता है। ओके गाइस, तो अब चलते हैं फर्स्ट लाइन की तरफ। सो फर्स्ट लाइन कुछ ऐसे प्ले हुई है। ऑलराइट, सो ये प्ले करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे। इसको मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। सो फर्स्ट पार्ट के लिए हम प्ले करेंगे सेकंड फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग, उसके बाद स्लाइड करेंगे फिफ्थ फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग, उसके बाद फोर्थ फ्रेट, और फिर स्लाइड करेंगे फोर्थ से सेवंथ की तरफ। ऑलराइट, सो सेकंड, फिफ्थ, फोर्थ, सेवंथ। सो ये दो बार प्ले होगा, मतलब फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट सेम है। उसके बाद चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट के लिए ऑलराइट, सो ये प्ले करने के लिए सेकंड फ्रेट जी स्ट्रिंग का, उसके बाद फिफ्थ फ्रेट, उसके बाद फोर्थ फ्रेट, उसके बाद सेकंड फ्रेट अगेन, उसके बाद ओपन जी स्ट्रिंग, उसके बाद सेकंड से फोर्थ की तरफ स्लाइड। सो कंप्लीट हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये फर्स्ट जो लाइन है वो कंप्लीट हो गई। उसके बाद चलते हैं सेकंड लाइन की तरफ। सो ये भी बिल्कुल सेम है, डिट्टो प्ले हो रही है जैसे फर्स्ट लाइन है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। वो थोड़ा चेंज क्या है, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट रहेगा, इसको भी मैं तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। जो फर्स्ट पार्ट है, सो उसमें क्या चेंज है, सेकंड फ्रेट, फिफ्थ फ्रेट, उसके बाद जो फोर्थ फ्रेट है, इसको हमने दो बार प्ले करना है। ऑलराइट, उसके बाद स्लाइड करना है सेवंथ फ्रेट की तरफ। सो कैसे हो जाएगा, बस इतना चेंज है, बाकी के आगे के दो पार्ट बिल्कुल सेम प्ले होंगे। सो ऑलराइट, इतना हो गया। ओके, सो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। ऑलराइट, सो ये प्ले करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे फोर्थ फ्रेट से, फोर्थ फ्रेट ऑन जी स्ट्रिंग, यहां से एक स्लाइड लेंगे हल्की सी फिफ्थ फ्रेट की तरफ। ऑलराइट, सो 4 to 5 स्लाइड, उसके बाद 4 प्ले करेंगे, उसके बाद 2, उसके बाद ओपन जी स्ट्रिंग, उसके बाद
ऑल राइट। सो इतना हो गया। उसके बाद जाएंगे हम लोग फिफ्थ फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग। ऑल राइट, फिफ्थ फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग एंड थर्ड फ्रेट ऑफ बी स्ट्रिंग, ये दो बार प्ले होगा, 5 3 5 3। इतना हो गया। उसके बाद अगेन सेकंड फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग दो बार, उसके बाद अगेन 5 3 5 3, अगेन सेकंड फ्रेट दो बार, उसके बाद अगेन 5 3 5 3, देन फिफ्थ फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग एंड फोर्थ फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग को दो बार प्ले करेंगे। सॉरी, सो 5 4 4। ऑल राइट, स्लोली एक बार बता देता हूं। गॉट इट। उसके बाद आती है नेक्स्ट लाइन, ये भी बिल्कुल सेम प्ले होगी, बस लास्ट में चेंज होगा। जब हमने यहां पे 5 4 4 किया था, उसकी जगह हमें करना है 5 4 2। सो लास्ट स्टेप बता देता हूं। ऑल राइट, 5 4 2 जी स्ट्रिंग पे, इतना ही है इसमें। ऑल राइट गाइस, सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सो नेक्स्ट लाइन कुछ ऐसे प्ले हो रही है। सो ये लाइन प्ले करने के लिए इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं मैं। सो फर्स्ट पार्ट प्ले करने के लिए आपको फोर्थ फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग से स्टार्ट करना है, यहां से स्लाइड आएगी फिफ्थ फ्रेट की तरफ। ऑलराइट, सो 4 to 5 स्लाइड एक बार, अगेन 4 to 5 स्लाइड, मतलब दो बार स्लाइड आएगी, 4 to 5 4 to 5, उसके बाद 5 4 5 4 5। ऑलराइट, सो स्लोली हो गया फर्स्ट पार्ट। अब चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सो सेकंड पार्ट के लिए अगेन 4 to 5 स्लाइड करेंगे, उसके बाद 5 4, उसके बाद 5, उसके बाद अगेन 5, उसके बाद 5 to 7 स्लाइड करेंगे। सो हो गया सेकंड पार्ट। अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। सो थर्ड पार्ट के लिए हमें 5 to 7 स्लाइड करनी है, 5 to 7 स्लाइड, उसके बाद 7 5, उसके बाद 7 5, उसके बाद 7 से 9 पे स्लाइड करनी है। ऑल राइट, इतना हो गया। सो 5 to 7, 7 5, 7 5, उसके बाद 7 to 9 स्लाइड, उसके बाद 7 5, उसके बाद 5 7, उसके बाद 5 4। सो कैसे हो जाएगा थर्ड पार्ट? ऑल राइट, सो एक बार स्लोली कंप्लीट स्टेप इसको बता देता हूं। ओके, सो इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन आती है कि तू फासला मिटा, तू खाब सा मिला, क्यों खाब तोड़ दूं, ये भी सेम प्ले होगी। ऑलराइट, इसमें लास्ट में एक चेंज है। लास्ट में जो थर्ड पार्ट हमने किया था, वो थर्ड पार्ट में हमने जब 7 to 9 स्लाइड करी थी, उसके बाद हमने यहीं से रुक जाना है, हमने वापस नहीं जाना। ऑलराइट, सो यहां से फिर एक म्यूजिक प्ले होगा, एक लीड आएगी, वो हमने प्ले करनी है। सो वो कैसे प्ले होगी? ओके गाइस, सो लीड पार्ट आपको प्ले करके बता देता हूं कैसे प्ले हो रहा है, उसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कैसे प्ले करना है। ऑलराइट, सो तो ये प्ले करने के लिए हम लोग स्टार्ट करेंगे 9th फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग, जहां पे हमने पिछला स्टेप छोड़ा था। ऑलराइट, सो 9, उसके बाद जाएंगे बी स्ट्रिंग, 8th फ्रेट, उसके बाद 8 टू 10 स्लाइड करेंगे, उसके बाद 12, 13, उसके बाद 10 टू 12 एक स्लाइड करेंगे, उसके बाद यहां से वापस जाएंगे 8th फ्रेट की तरफ। ऑलराइट,
तो एक बार यहां तक बता देता हूं। इतना हो गया। उसके बाद 8 to 10 स्लाइड, उसके बाद 8 10, उसके बाद 8 10th फ्रेट ऑन जी स्ट्रिंग एंड 9th फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग, जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे खत्म हो जाएगा। ऑल राइट right? उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टेप, ये अगेन 9th फ्रेट से स्टार्ट हो रहा है, फिर 8th ऑफ बी स्ट्रिंग, फिर यहां से स्लाइड 10th ऑफ बी स्ट्रिंग की तरफ, सेम है आधा पार्ट इसका। उसके बाद 12 13, उसके बाद 10 to 12 स्लाइड। अब यहां से हमने वापस 8th की तरफ नहीं जाना है, अब यहां से हमने जाना है 15th फ्रेट पे, 15th, उसके बाद 17th, 17th को दो बार प्ले करना है। ऑल राइट right? या इसकी जगह पे आप लोग नीचे जा सकते हो ई स्ट्रिंग पे, इसमें से 10th फ्रेट, 12th फ्रेट और 12th फ्रेट दो बार प्ले करना है। ऑल राइट, सो और ऑल राइट, सो ये हो गया इसका लीड पार्ट। ओके गाइस, सो अब चलते हैं इसकी नेक्स्ट लाइन की तरफ। सो नेक्स्ट लाइन कुछ ऐसे प्ले हुई है। Got it? So, ये प्ले करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे 4th फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग। सो यहां से एक बैकवर्ड स्लाइड करेंगे 2nd फ्रेट पे और वापस 4th फ्रेट को अगेन प्ले करेंगे। सो ऑलराइट, उसके बाद प्ले करेंगे 5th फ्रेट, उसके बाद एक हैमर ऑन पुल ऑफ लेंगे 4 to 5। Got it? So, स्लाइड, उसके बाद 5, उसके बाद हैमर ऑन पुल ऑफ, उसके बाद 2, फिर ओपन जी स्ट्रिंग, उसके बाद अगेन 2, फिर उसके बाद एक पुल ऑफ लेंगे यहीं से 2 से ओपन पे, या तो आप चाहो तो इसको खाली ओपन भी प्ले कर सकते हो। सो पुल ऑफ, उसके बाद 2 to 4, उसके बाद 4 to 0 4 to 0। सो कैसे हो जाएगा कंप्लीट स्टेप? हो गया। अब चलते हैं जो इसका आधा पार्ट जो रह गया उसकी तरफ, वो कैसे प्ले होगा। सो ये प्ले करने के लिए जी स्ट्रिंग का 2nd फ्रेट दो बार प्ले करेंगे, उसके बाद ओपन जी स्ट्रिंग, उसके बाद 2 to 4 स्लाइड करेंगे, उसके बाद 4 to 5 स्लाइड करेंगे, फिर 5 प्ले करना है, उसके बाद 7, उसके बाद एक हैमर ऑन पुल ऑफ 4 to 5 अगेन, ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद 4 to 2 वापिस स्लाइड। सो ओके गाइस, सो इस स्टैंडर्ड के बाद हमिंग म्यूजिक प्ले होता है। कैसे प्ले होता है? कुछ ऐसे प्ले होता है। सो एक बार मैं आपको प्ले करके बताता हूं, फिर इसको स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करके सीखते हैं। ऑल राइट, गॉट इट? सो इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं पहले। सो फर्स्ट पार्ट इसका प्ले हो रहा है ओपन जी स्ट्रिंग से, ओपन जी स्ट्रिंग, उसके बाद 2nd फ्रेट ऑन जी स्ट्रिंग, फिर उसके बाद 5th फ्रेट, 4th फ्रेट, 2nd फ्रेट, ओपन। सो फर्स्ट पार्ट, उसके बाद 2nd पार्ट, 2nd पार्ट अगेन सेम, ओपन जी स्ट्रिंग, 2nd फ्रेट, 5th फ्रेट, 4th फ्रेट, 2nd फ्रेट। अब यहां से हमने एक स्लाइड लेना है 4th फ्रेट की तरफ, सो 2 to 4 स्लाइड। सो हो गया 2nd पार्ट, उसके बाद 3rd पार्ट। सो 3rd पार्ट के लिए ओपन जी स्ट्रिंग 2 5 4 2 4 2 0,
ऑल राइट, स्टार्टिंग का सेम है, लास्ट में 4-2-0। सो थर्ड पार्ट कंप्लीट, उसके बाद चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। सो फोर्थ पार्ट में अगेन ओपन 2-5-4-2, यहां तक सेम है। उसके बाद या तो इसको ऐसे स्लाइड करके ले सकते हो या तो 2-4-2-4-2-4 तीन बार। ऑल राइट, सो कंप्लीट स्टेप। ओके, सो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है अगेन। ये वाला स्टेप हमने ऑलरेडी कर रखा है, सेम प्ले होगा। ऑल राइट, सो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑल राइट गाइस, सो अब इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कुछ ऐसे प्ले होता है। ऑल राइट, सो ये प्ले करने के लिए बहुत इजी है। हम स्टार्ट करेंगे सेकंड फ्रेट ऑफ जी स्ट्रिंग, यहां से स्लाइड करेंगे फिफ्थ फ्रेट की तरफ, उसके बाद फोर्थ फ्रेट को प्ले करेंगे। सो 2-5 स्लाइड, फोर को प्ले किया, उसके बाद अगेन 2-2, सो 2-5 स्लाइड, 4-2, यहां तक हो गया। उसके बाद जाएंगे फिफ्थ फ्रेट पे, यहां से स्लाइड करेंगे सेवंथ फ्रेट, वापिस 5 फ्रेट पे आ जाएंगे। उसके बाद 5-2-0-2, सो ओके। उसके बाद हम जाएंगे फिफ्थ फ्रेट, यहां से स्लाइड करेंगे सेवंथ फ्रेट की तरफ, उसके बाद 7-5, 7-5, उसके बाद 7-9, ओके। उसके बाद जाएंगे हम लोग बी स्ट्रिंग पे, ठीक है। बी स्ट्रिंग को हम लोग प्ले करेंगे 8-7, फिर 7 से एक हैमर ऑन पुल ऑफ लेंगे 8th पे। सो 8-7 हैमर ऑन पुल ऑफ, उसके बाद 9th, फिर 7th, फिर अगेन 5 से 7 पे एक हैमर ऑन पुल ऑफ और फिर 4। ओके गाइस, तो स्लोली इसको एक बार प्ले करके बता देता हूं। Got it? So next line बिल्कुल डिटो सेम प्ले होगी। ओके, उसके बाद अगेन सेम जो कि ऑलरेडी हमने कर रखा है। ऑलराइट, सो इसी के साथ ही लेसन गाइस खत्म होता है। आपके लेसन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर लिखो यार। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। ऑलराइट, सो टिल देन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।